चलिए आज एक और नए स्टूडेंट से मिलते हैं। नाम है सिद्धार्थ शर्मा, जो कि दिल्ली से हैं और इनका ऑल इंडिया रैंक 57 है। और सिद्धार्थ को अभी एनआईटी सूरत का अलॉट हुआ है। तो सिद्धार्थ, सबसे पहले ऑल इंडिया 57 रैंक और एनआईटी सूरत कल के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सर थैंक्स अ लॉट, सब आपकी वजह से ही है। मैं सिद्धार्थ के बारे में बताना चाहूंगा कि सिद्धार्थ ऑनलाइन स्टूडेंट है। उन्होंने ऑनलाइन कोर्स लेके घर पे पढ़ाई की और फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव की। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो सिद्धार्थ, मैं चाहूंगा कि जो आपकी लाइफ की सक्सेस जर्नी है वो जरूर शेयर करें, स्पेशली वो बच्चे जो फाइनल ईयर में होते हैं, उनको कई सारे अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। तो उन चैलेंजेस को आपने कैसे फेस किया, किस ढंग से दोनों चीजों को मैनेज किया, मैं चाहूंगा ये दोनों चीजें आप काफी डिटेल में बताएं। यस श्योर सर। मैंने ऑनलाइन कोर्स से जुड़ा था अगस्त 6 को, लाइक पूरा एक साल मैं पढ़ा हूँ ऑनलाइन। बट मैं कहूंगा कि ऑनलाइन पढ़ाई मतलब आपका बहुत टाइम बच जाता है, मतलब जितना टाइम आपका ट्रैवलिंग में निकलता है, आप वहां जाके एक माइंडसेट बनाते हैं। अगर आपके पास मोटिवेशन, आप मोटिवेटेड हैं, तो आप घर से पढ़ेंगे सबसे अच्छा रहेगा। मैंने खुद यह एक्सपीरियंस किया है। जैसे ही लॉकडाउन था, लोगों के लिए बहुत सेटबैक्स थे, बट एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए कि ये टाइम ऐसा था कि हम अपने आप को पूरा टाइम दे सकते थे, अपनी पढ़ाई को टाइम दे सकते थे। लाइक कॉलेज के साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट अब ऐसा था कि कॉलेज हो रहा है, सुबह से शाम तक क्लासेस हो रही है कॉलेज की, उसके बाद सर की, जस्ट बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस थी हमें रिकॉर्डिंग्स मिल जाती थी, तो मैं रात को बैठ के क्लासेस देख लेता था। एंड टेस्ट टाइम पे देना बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब वो सब चीजें हम साथ में मैनेज कर सकते हैं। अगर हम सोचेंगे हम कर सकते हैं तो हम जरूर करेंगे। मेन था कि ऐसा भी नहीं था कि मैंने कॉलेज की पढ़ाई नहीं करी। आई स्कोर 9.351 एग्रीगेट CGPA एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। एंड मतलब वो लाना भी ऐसा नहीं था कि आप बिना पढ़े उतने नंबर ला सकते हो। तो अगर आप मैनेज करोगे, मतलब आप चाहते हो कि आप मैनेज करना चाहते हो कुछ, तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। क्योंकि मैं उस टाइम पे अपनी टेक सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी था, उसके अलावा मैं DSA भी पढ़ रहा था। मैं अपने ऐप डेवलपमेंट में मैं काफी टाइम से हूँ, मेरी एप्स काफी प्ले स्टोर पे भी लाइव है, तो मैं वो भी कर रहा था, मैं वो भी पढ़ता था। वो था मतलब आपको अपने आपको अपना शेड्यूल इस तरीके से बनाना है कि आप हर चीज के साथ मैनेज कर रहे हैं। यानी आपको एक प्रायोरिटी बना के चलना पड़ता है। फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी मेरी प्रिपरेशन, जैसे ही उसके बाद मेरे को टाइम मिला, उसके बाद मेरे कॉलेज का पढ़ना है, उसके बाद बाकी सारे काम। बट ये है कि किसी चीज को छोड़ना नहीं है, सब कुछ करना है। बट वही होता है कि आप क्या, आपको अपने आप का पता है कि आप कितना काम कर सकते हो एक बार में, तो उस चीज को बहुत साथ में लेके चलना जरूरी है। एंड सबसे बड़ी बात थी कि मेरे सीनियर्स भी शरद सर से पढ़े थे, उन सब ने मुझे बोला था कि सर जैसे कहते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है, एक बार वैसे कर लिया तो कोई चांस नहीं है कि रैंक ना आए। सर जानते भी होंगे नमित कपूर, ईशु गोयल। बिल्कुल बिल्कुल, ये सर ऑल इंडिया रैंक 1 IGDTW में ईशु गोयल जी। ये सर मतलब वो ऊपर से मतलब मेरे लिए थोड़ा सा बार भी हाई था कि लाइक मेरे सीनियर इतने ला रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लाना है। तो वो बहुत था कि लाइक आपके पास मोटिवेशन थी, एंड जब सर की आप क्लासेस ले रहे हो, ठीक है, तो आप मतलब आप रेगुलरली पढ़ रहे हो। कभी कभी होता है कि आप डीमोटिवेट होते हो, तो सर मतलब बीच बीच में आके एक अच्छे अच्छे लाइक स्पेशल सेशन होते थे हमारे, हम बात कर रहे हैं बहुत देर तक चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मोनोटोनस हो जाए, जो सर कहते थे मोनोटोनस नहीं होना हमें, हमें हर चीज को मतलब इंजॉय करना है जो हम कर रहे हैं। मतलब मेरा मतलब यही था मोटो कि मैं जो चीज कर रहा हूँ मैं उसे इंजॉय करूँ। पढ़ाई में मुझे मजा आता था तो मैं लाइक करता था आराम से। सुबह उठ गए हैं तो रात को मतलब अराउंड 10 आवर्स पढ़ना है तो 10 आवर्स पढ़ना है, उसमें कुछ लैग नहीं दे सकते हम। वो ही अच्छा था। एंड सीनियर्स का तो सपोर्ट था ही, सर का सपोर्ट था, प्रतीक सर के साथ स्पेशली कंप्यूटर में कॉलेज में भी मैथ, आई एम फ्रॉम BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, तो कंप्यूटर ऐसा नहीं था कि मैंने पढ़ा नहीं था, बट जब प्रतीक सर पढ़ाए थे तो बहुत लूप होल्स पता लगते हैं कि हम बीच में क्या नहीं जानते हैं। एंड जब उस लूप होल को हम फिल कर देते हैं तो हमारी नॉलेज अच्छी हो जाती है सब्जेक्ट को लेके। प्रतीक सर के लिए बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा प्रतीक सर को, जो उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया था हमें, इतना अच्छा करा कि लाइक जब बच्चे कह रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस है, बट वहां जाके था कि लाइक 7 to 8 क्वेश्चन थे जो मैनेजेबल थे, आराम से कोई इश्यू नहीं आया था। एंड मैथ्स तो सर क्या ही बताएं कि सर ने सब कुछ करा रखा था, फिर भी लाइक थोड़ा पेपर स्टार्ट हुआ, सर ने बोला था अपने स्क्रीन पे फोकस करना, इधर उधर नहीं देखना। जब तक पेपर खत्म नहीं हुआ मेरा यही था कि साइड में गलती से भी नहीं देखना, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें अपने पेपर पे फोकस करना है, वो इम्पोर्टेंट था। एंड मतलब ऐसा था कि हाँ सर ने जो कहा उसको अगर मान के चले हैं तो तभी रैंक आई है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दैट। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके सिद्धार्थ जर्नी सुन के, और सबसे अच्छी बात ये कि आपको कंप्यूटर की काफी अच्छी नॉलेज है, ऐप भी बनाए हुए हैं आपने,
तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो आपका एमसीए करना होगा ना, ये आपका माइलस्टोन होगा। क्योंकि क्या होता है कि आपको बहुत सारी नॉलेज है टेक्निकल, पर आपके पास उसके लिए एक्सपोजर नहीं है, या आपके पास बड़ी कंपनी के लिए ओपन प्लेटफॉर्म नहीं है। पर ये आपको जो एनआईटी है ना, वो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। यानी आप देखिएगा, जब आपका प्लेसमेंट होगा तो इसका बहुत फायदा मिलेगा। और सिद्धार्थ ने जैसे एक बात बोली कि मैनेज करने के ऊपर सब कुछ होता है, तो आपने कॉलेज भी मैनेज किया, अपनी ऑनलाइन पढ़ाई भी की, और ये भी बिल्कुल सच बात है। क्या होता है कि कई बच्चे ऑनलाइन में कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस है। प्लस पॉइंट सबसे बड़ा ये कि आप घर रह के पढ़ाई करते हैं, जब आप किसी क्लास के लिए निकलते हैं तो हॉस्टल में रहना, खाना पीना, ये बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। पर ऑनलाइन में बस एक सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन, और वो आपने हमेशा मेंटेन रखा। एक बात, टेस्ट पेपर अच्छे से दिए, एनालिसिस किया, तो देखो उसका आज आपके सामने रिजल्ट है, ऑल इंडिया 57 रैंक। ये बताता है कि आपका मैनेजमेंट और डिसिप्लिन कितना स्ट्रांग है। तो मैं हर बच्चे से कहूंगा जो भी ये सेशन सुन रहे हैं, कि आप बहुत ध्यान से इन सेशन को सुनो। इस सेशन का पर्पज भी यही है कि अगर हम कहीं पर भी, आज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया, आज हम मतलब इम्पिटस गुरुकुल के साथ ये अच्छी बात है कि बच्चा चाहे भोपाल आके पढ़ना चाहे, चाहे ऑनलाइन पढ़ना चाहे, चाहे जिस मॉडल में पढ़ना चाहे, उसके पास ये ऑप्शन है और वो अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। यस सर, मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं सर, बाकी जो टेस्ट सीरीज था वो मतलब सबसे बिगेस्ट पार्ट प्रिपरेशन का मिले टेस्ट सीरीज रहा, क्योंकि टेस्ट सीरीज से लाइक हमें पता लग जाता है हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं अभी, और हमें कहाँ तक जाना है, कितना अपने आप को बढ़ाना है, क्योंकि इतने सारे बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ टेस्ट देते थे, तो मतलब अच्छा क्राउड होता था वो बच्चे, मतलब ऑलरेडी जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें पता है जिनसे हमारा लास्ट में मेन कंपटीशन है, हम उनसे पहले से ही उनके साथ प्रैक्टिस करते चल रहे हैं, तो मतलब बहुत अच्छा रहता था वो हमारे लिए। बिल्कुल सही बात है सिद्धार्थ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सिद्धार्थ, आप अपने उन जूनियर्स को क्या मैसेज दोगे, स्पेशली जो फाइनल ईयर में है, थोड़ा सा आपका टाइम टेबल रूटीन थोड़ा सा आप अगर बताओगे बच्चों को, तो मेरे ख्याल से उनको, जो स्पेशली जो बच्चे ऑनलाइन लेके पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैंने एक बहुत पहले कोट पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था, द मोटिवेशन कैन गिव यू अ स्टार्ट बट हैबिट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। मोटिवेशन आपको एक स्टार्ट तो दे सकता है, बट आप जब तक उसको अपनी हैबिट नहीं बनाओगे तब तक आप नीचे होते जाओगे। तो उसी चीज को मैंने साथ में रखा था कि हाँ, अब यही करना है सर, टाइम टू टाइम मोटिवेशन दे रहे हैं, बट मुझे उसे अपनी हैबिट बनाना है कि मुझे रोज पढ़ना है। ये नहीं होता था कि लाइक आज बहुत ज्यादा पढ़ लिए, कल छोड़ दिया, परसों छोड़ दिया, या फिर एक दिन पढ़ लिए। जब हम एक स्टडी पेस पे जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारा ग्रोथ कैसे चल रही है, बट जब हम टेस्ट देते हैं धीरे धीरे करके, जब आपको रैंक इंप्रूवमेंट दिखती है, अब सर के टेस्ट में हम लोग ऑलरेडी 800 प्लस जा रहे थे, तो मतलब उससे कितना अच्छा कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर कि हाँ, अगर हम यहाँ कर सकते हैं तो वहां भी कर सकेंगे। वो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे में सेल्फ मोटिवेशन, हम कॉन्फिडेंस लैक करेंगे तो हमें चाहे आता हूँ तब भी गलत कर देंगे चीज को। सर ने ये चीज बड़ी अच्छी सिखाई है, जो मतलब लाइफ में याद रखोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड एज फॉर टाइम टेबल, वो सबका अपनी अलग चीज है, किसी के पास किसी चीज के लिए ज्यादा टाइम है। मतलब मुझे पता है कि मुझे एक चीज पढ़ने में कितनी देर लगती है, तो मैं उसको ज्यादा टाइम दूंगा, एंड जिसको मुझे पता है ये मैं बहुत जल्दी कर लूंगा, उसे मैं कम टाइम दूंगा। अब ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी कर सकता है। सो मतलब एज कुछ मैं ये कहूँ कि एक फिक्स टाइम टेबल है, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमें खुद बनाना है, एंड वो इम्प्रोवाइज होता है धीरे धीरे करके। हम चीजों में आगे बढ़ते जाते हैं तो हम इम्प्रोवाइज करते जाते हैं चीजों को। बस ये मेरा मैसेज है सब जूनियर्स के लिए, एंड मेरे काफी जूनियर्स ऑलरेडी सर से पढ़ रहे हैं, एंड उन सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सिद्धार्थ, बिल्कुल सही बात आपने बोली, और मैं भी बच्चों को ये बोलता हूँ कि जब ये सेशन सुनो तो आपको ये समझना है कि किसी ने क्या किया। जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सबका टाइम टेबल, सबका पढ़ना, सबका वीक और स्ट्रांग एरिया अलग अलग होता है, तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट हर बच्चे को अपना कैलिबर पता होता है, उस हिसाब से अगर वो फोकस करेगा तो उसका फायदा मिलेगा। और बिल्कुल सही बोला सिद्धार्थ, काफी सारे जूनियर्स ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया एम्पिटस गुरुकुल का बैच, दिल्ली के काफी सारे बच्चे। चलिए, वंस अगेन ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऐसे ही आगे बढ़ो और खुश रहो। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू बेटा।